भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कई लोग कोरोना से संक्रमित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसका लक्षण है और अब तक इस वायरस का फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से लड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे इसी पर और स्वागत है आप सभी का स्वराज सेहत में और मैं हूं आपके साथ अमनदेव। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर सुशील जैन। तो शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज सेहत। तो डॉक्टर सुशील जैन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है स्वराज सेहत में। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक डॉक्टर होने के नाते आप इसमें कमी कहाँ महसूस करते हैं, कहाँ ऐसी चूक हो रही है जिसके चलते जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे को लॉकडाउन को कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ेगा जी। लॉकडाउन अभी तक पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है जी। हमारे को स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो करना चाहिए और शायद इसे हमें और एक्सटेंड करना चाहिए जी। तो कह सकते हैं लॉकडाउन को सारे लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना आवश्यक है जी। तो कह सकते हैं ऐसा कि अगर लॉकडाउन सख्त हो जाएगा और सभी लोग इसका मिलकर पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हालात सुधर सकते हैं। चलिए, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की बात की जाए तो कोरोना को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी, हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने सेपरेट वार्ड और सेपरेट आइसोलेशन ICU बना रखा है जहाँ पे कोरोना के सस्पेक्टेड मरीजों को रखा जा सकता है जी। हमारी एक स्पेशल टीम है जो पूरे 24 घंटे वहाँ पे ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए तैयार है जी। लेकिन अभी तक लकीली कोई भी पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे पास अभी तक नहीं आए जी। सुशील जी, अभी, अभी सारे पॉजिटिव पेशेंट्स एम्स रायपुर में भर्ती किए गए जी। सुशील जी, अभी ये भी देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, जो उनके संपर्क में आ रहे हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या कुछ और विशेष सावधानियां रखी जा रही हैं डॉक्टर्स के लिए और क्या कुछ डॉक्टर्स अपनी तरफ से विशेष सावधानी रख रहे हैं ताकि वो भी इसके संपर्क में आ रहे हैं पर वो पॉजिटिव ना हो? देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स या PPE सबका इस्तेमाल करना चाहिए। N95 मास्क का उपयोग होना चाहिए जो कि अभी भी कई अस्पतालों में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है जी। हमारे यहाँ हम लोग कंप्लीट पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइसेस पहन के ही पेशेंट के संपर्क में आते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स में करीब 15-20% तक रिस्क रहता है आपके पॉजिटिव होने का। हम लोग मरीजों के लिए रिस्क ले रहे हैं लेकिन अगर इस दौरान कोई भी एक्सपोज होता है और उसको कुछ लक्षण आते हैं तो उसकी तुरंत जांच और इलाज अर्जेंट बेसिस पे होना चाहिए जी। सुशील जी, पर मास्क को लेकर भी अभी तक लोग जागरूक नहीं हैं और अलग अलग तरह के मास्क आ रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि उसको लेकर भी आप थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, N95 जो मास्क है वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि पेशेंट्स को डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, जो कोरोना के संभावित या कंफर्म केसेस का ध्यान रख रहे हैं, उन्हीं के लिए N95 मास्क रिकमेंडेड है। बाकी कॉमन पब्लिक के लिए N95 मास्क रिकमेंडेड नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एडवाइजरी आई है कि नॉर्मल पब्लिक भी जब घर से बाहर निकले तो होममेड क्लॉथ मास्क का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए उनके इससे इस बीमारी को स्प्रेड होने में थोड़ा सा कमी आने की संभावना है, हेल्प मिलेगी। तो इसमें ये रिकमेंडेशन है कि हमें जो भी नॉर्मल व्यक्ति है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें,
एक मीटर का डिस्टेंस लोगों से दूर रहें, और उसके अलावा नॉर्मल होममेड मास्क का इस्तेमाल बाहर निकलने पे करें। जी सुशील जी, हमारे साथ में यहाँ पर मेघनगर से, सोशल गैदरिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। जी बिल्कुल सुशील जी, हमारे साथ में मेघनगर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, नीलेश। नीलेश बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए क्या कुछ सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं। जी नमस्ते, डॉक्टर सुनील जैन से मेरा सवाल है। सर मैं एक किराना व्यापारी हूँ और हेलो जी जी बोलिए, सवाल बोलिए अपना। मैं किराना व्यापारी हूँ सर, और नॉर्थ काफी मात्रा में जो ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी हैं और वो लोग काफी मात्रा में नॉर्थ लेके आते हैं, तो सर नोटों से भी कोरोना फैलने का डर है क्या सर? हम सैनिटाइज करें क्या नोटों को या फिर डायरेक्ट ले लें? नहीं देखिए, सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग दो तीन चीजों का ध्यान रखें। एक तो जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं उनसे एक मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें, आप साबुन और पानी से हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहें, और तीसरी आवश्यक चीज यह है कि आप जब भी इन लोगों के संपर्क में आते हैं तो मास्क का उपयोग करें। आपका हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ को रेगुलरली धोते रहें, नोटों को सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। जी सुशील जी, अभी अगर आप लोग डिजिटल करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल सुशील जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी राज्य में सभी ओपीडी बंद है, ऐसे में अगर लोगों को डॉक्टर से परामर्श लेना हो तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए नॉर्मल रेगुलर ओपीडी बंद है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए तो सारे अस्पतालों में इमरजेंसी चालू है। हमारे भी पेशेंट जो रेगुलर हैं उनको हम लोग ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये सुविधा उपलब्ध है। मैं रेगुलरली हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंसल्टेशन कर रहे हैं। जिस पेशेंट को अगर देखने की आवश्यकता है उनको हम हॉस्पिटल भी बुला रहे हैं, सारी इमरजेंसी सुविधाएं चालू हैं। तो और अब हमारे साथ में सतना से शाहनवाज, पटना से माफ कीजिएगा, पटना से शाहनवाज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शाहनवाज बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैम ये है कि जैसे घर में 10-12 लोग रहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी मतलब करने की जरूरत है, और दूसरी चीज की क्या है, एसी भी यूज कर सकते हैं हम लोग घर में? देखिए घर में सोशल डिस्टेंसिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी को घर में सर्दी खांसी या बुखार ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो उससे दूर रहें और उससे तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाएं। एसी के बारे में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुशील जी, हम इमरजेंसी सुविधाओं को लेकर बात कर रहे थे, अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी सुविधाएं चाहता है तो वो क्या कुछ कर सकता है? हॉस्पिटल के जितने भी हॉस्पिटल हैं आप वहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर वहाँ हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करके आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, या किसी भी हॉस्पिटल में आप फोन करेंगे तो उन लोग आपके इमरजेंसी सुविधाएं देंगे। इमरजेंसी सुविधाएं किसी भी हॉस्पिटल ने बंद नहीं की है। जी और एक और कॉलर, रेगुलर ओपीडी बस बंद है। जी एक और कॉलर हमारे साथ में राम बिहारी जुड़ गए हैं। राम बिहारी बताइए क्या कुछ सवाल है आपका जिसका जवाब आप डॉक्टर सुशील से चाहते हैं? हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। जो बाहर से लोग आए हैं उनका चेकअप नहीं हो पाया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो उनसे क्या करना पड़ेगा? दूरी बना के रखनी पड़ेगी कुछ और? बिल्कुल, बाहर से जो लोग आए हैं उनके उनसे कम से कम दो हफ्ते तक उन्हें क्वारंटाइन रहना चाहिए, उनसे दो हफ्ते तक संपर्क ना रखें, और जो सरकारी नंबर्स है, गवर्नमेंट के नंबर्स है, वहाँ पे फोन करके उनकी टेस्टिंग के बारे में या उनकी जांच के बारे में आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए। और अब हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ गए हैं जबलपुर से, संतोष। संतोष बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं अपार्टमेंट में जी, और हमारे उसमें 3-4 विंडो हैं जी,
तो क्या ये विंडोज खुली रहने देने में कोई समस्या नहीं है? मेरे ख्याल से विंडोज खुली रखने में कोई विशेष ऐसी समस्या नहीं है, आप विंडोज खुली रख सकते हैं, इससे कोई आपका कोरोना वायरस के लिए कोई रिस्क नहीं है। थैंक यू जी। सुशील जी, हम सोशल साइट्स पे और तमाम जगह के एप्लीकेशंस पे चीजें देख रहे हैं कि कुछ कोरोना से बचाव के लिए उपाय और तरीके, इसके उपाय और साथ साथ इलाज की भी कई सारी चीजें वायरल हो रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ड्रायर से हाथ सुखाने में अगर हाथ में कोरोना है तो वो चला जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप अल्कोहल से खुद को सैनिटाइज करते हैं तो आप कोरोना से बच सकते हैं, और ऑरेंज खाने से, नींबू खाने से आप इससे बच सकते हैं। ये सिर्फ भ्रम है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हमारे सोशल मीडिया के कारण फैल रही हैं। दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, आप सिंपल सोप वाटर से अगर हाथ धोते हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट है, आपको कोई और चीज का इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज है, आप नाक कान आंखों को बार बार टच ना करें, आप फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करें और लोगों से 1 मीटर या उससे ज्यादा दूरी मेंटेन रखें, सोशल गैदरिंग में ना जाएं। जी, बस इतना ही आप कर लेंगे तो वो सफिशियंट है, नींबू से या ऑरेंज खाने से या और कोई तरीके से ये बीमारी से बचा नहीं जा सकता। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, कभी इमरजेंसी में जब आपके पास सोप वाटर अवेलेबल नहीं हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज सैनिटाइजर्स की रूटीन में जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए, प्लीज इसे रिजर्व रखिए, वहां पे इसकी बहुत शॉर्टेज हो रही है। तो हैंड बेस्ड अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है वो हॉस्पिटल सेटअप के लिए बेहतर है, या उन लोगों के लिए जब वो बाहर रहते हैं और आप हाथ नहीं धो सकते तब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसको लेकर मेरा एक और सवाल है, उसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी, पर हमारे साथ में अभी एक कॉलर और जुड़ गए हैं दिल्ली से, प्रकाश। प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, और बताइए क्या सवाल है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ये जो टेस्ट होता है, ये जो कोरोना का टेस्ट होता है, प्रकाश आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही है आपकी आवाज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का जो टेस्ट होता है, नॉर्मल सर्दी और जुकाम और कोरोना, इसे नॉर्मल सर्दी जुकाम और बुखार और कोरोना का इसे क्या है डिफरेंस? सुशील जी, मैं आपको बता देती हूँ उनका सवाल ये कि... जी बोलिए। देखिए, अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार और सांस फूलना ऐसे लक्षण है तो उससे डॉक्टर से जाके उसके बारे में उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल सर्दी, जुकाम, बुखार को आप कोरोना के इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपको सिर्फ हल्की सर्दी सर्दी है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आपको बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, इनमें से कोई भी लक्षण है तो डॉक्टर को जाके दिखाना बेहतर होगा, क्योंकि कोरोना के लक्षण और नॉर्मल सर्दी बुखार के लक्षण को डिफरेंशिएट करना संभव नहीं है। जी, भोपाल से कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, शौकत अली खान। शौकत, बताइए क्या सवाल है आपका, और बहुत स्वागत है आपका सुरक्षित सेहत में। मैडम, मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि जब ये लॉकडाउन खत्म होएगा तो उसके बाद हमको क्या सावधानी रखना है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। मेरे हिसाब से सरकार का जो भी डिसीजन हो, हमने अगले 3 महीनों तक अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम अचानक से वापस सब लोग भीड़ भाड़ में जाने लगेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत तेजी से इंडिया में फैलने की संभावना रहेगी, इसलिए हमें अपना लॉकडाउन इंडिविजुअली मेंटेन रखना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करेगी, लेकिन लेकिन इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट का लॉकडाउन नहीं भी रहता है तो हमने एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग को आगे भी मेंटेन रखना चाहिए। जी,
और भोपाल से एक और कॉलर हमारे साथ भी जुड़ गए हैं, एमएस जयशंकर। एमएस जयशंकर, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, और बताइए क्या सवाल है आपका जिसका जवाब आप चाहते हैं। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी नमस्कार करता हूँ, मैं कह रहा था कि अभी कुछ रिपोर्ट आ रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि 76% जेंट्स पुरुष जो है वो बीमार हो रहे हैं और 24% कभी महिला बीमार हो रही है, तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या मतलब है इस चीज का, बता सकते हैं मुझे? देखिए ये आंकड़ों के बारे में मत जाइए, पुरुष और महिलाएं दोनों इस बीमारी से संक्रमित हो सकती हैं, दोनों को सावधानी रखनी है। अभी ये जो पिक्चर है ये बहुत ही क्रूड फिगर्स है, अभी हमारे यहाँ बीमारी जस्ट फैलना शुरू हुई है, तो मेरे हिसाब से चाहे वो पुरुष हो या महिला हो वो दोनों संक्रमित हो सकते हैं और उन्होंने दोनों को बचाव अपना करना है, है ना। ये बीमारी उम्र दराज लोगों में ज्यादा होती है और इसलिए जो व्यक्ति 60 या उसके ज्यादा की उम्र वाले हैं उन्हें एकदम स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना चाहिए, उन्हें घरों के अंदर ही रहना चाहिए, अभी उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। पुरुषों का ज्यादा नंबर होने का कारण हो सकता है कि पुरुष लोग सोशली ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो बाहर ज्यादा निकलते हैं, इसलिए वो ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे होंगे, ऐसी संभावना हो सकती है। और भोपाल से एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राहुल गढ़वाल। राहुल बहुत स्वागत है आपके स्वराज सेहत में, बताइए सवाल आपका। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कल एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने देखा कि इंडिया में 65% केस ऐसे हैं, 65 से ज्यादा केस ऐसे हैं जिसमें ये पता नहीं चला है कि कैसे उन्हें कोरोना हुआ, ना उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, ना वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना था। तो फिर सर सरकार इस बात से नकार क्यों रही है कि कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो रहा है इस बीमारी का? देखिए हम लोग जो रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं, हम लोग जो चेस्ट फिजिशियन एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट हम लोग देख रहे हैं, अभी हमें बहुत ज्यादा कम्युनिटी ट्रांसमिशन के एविडेंस नहीं है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा हिस्ट्री क्लियर कट नहीं है, लेकिन अधिकतर मरीजों में अभी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, वो खुद नहीं कहते लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में थे जिन लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो अभी इस वक्त कहना कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत बड़े लेवल पे हुआ है ये गलत होगा, अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, बट ये रिस्क बहुत है डेफिनेटली, इसीलिए हम लोग अभी भी लॉकडाउन के बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो का इंस्ट्रक्शन देते हैं कि लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना अभी आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये अभी तक बहुत अच्छे से पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग जरूर कर रहे हैं लेकिन सब लोग इस लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम सबको समझना होगा और इसे लॉकडाउन को फॉलो करना जरूरी है। सुशील जी, किसी सतह की बात की जाए तो कितनी देर तक एक सतह पर कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है? देखिए सतह की बात की जाए तो कई बार 3-4 दिनों तक भी कोरोना वायरस दूसरे सर्फेसेस पे रह सकता है, जैसे कि प्लास्टिक है या फिर स्टील है उसके ऊपर 3-4 दिनों तक भी देखा गया है कि कोरोना वायरस सर्वाइव करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप आंख मुंह और नाकों को टच ना करें और कोई आप फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करते रहें, जिससे कि अगर आपका हाथ में इन्फेक्शन अगर आ भी गया हो तो वो आप हैंड वॉशिंग करके उससे आप अपने आप को दूर कर सकते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें और कोई भी सतह को टच करने के बाद अपने आंख मुंह और नाकों को टच ना करें। जी सुशील जी, अगर मास्क की बात की जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक बार मास्क को परचेज कर लेता है उसके बाद में कई दिनों तक उसी को यूज करता रहता है, तो एक मास्क को कितनी बार यूज किया जा सकता है? देखिए अगर सर्जिकल मास्क की बात की जाए या N95 की बात की जाए तो यूजुअली ये 8 घंटे से ऊपर एक शिफ्ट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, कुछ आजकल कुछ तरीके बताए गए हैं जब हम उनको एक्सटेंडेड यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे मल्टीपल डेज तो यूज नहीं करना चाहिए, और अगर आप होममेड क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं तो उसे डेली वॉश करके इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये आवश्यक है कि इसे लंबे समय तक इस्तेमाल ना किया जाए, वो आपको इन्फेक्ट हो जाएंगे और आपको भी नुकसान कर सकते हैं, तो आपको उसको सर्जिकल मास्क तो डेफिनेटली शुड नॉट बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड, और जहां तक होम मेड मास्क है उसको डेली वॉश करके इस्तेमाल करें। जी और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रोमिल भावसार हैं। रोमिल भाव स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं
मुझे दो सवाल पूछने थे. एक तो जो मैंने टेलीविजन पे और अखबार में सिम्टम्स देखे थे कोरोना के, नॉर्मली वही सिम्टम्स थे, सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, छींक आना. तो उस सिम्टम्स को देखने के बाद लगभग एक डर ज़्यादा पैदा होता है क्योंकि ये मौसम चेंज में लगभग ये चीज़ें हो ही रही हैं, सर्दी खांसी. फिर मैं चेकअप कराने हॉस्पिटल गया कि भाई मुझे सर्दी खांसी जुकाम छींक भी हो रहा था. तो वहाँ उन्होंने सिर्फ एक स्कैनिंग करी, एक मशीन से उन्होंने स्कैन किया मेरे सर पे कुछ और बोला आपको कोरोना नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, ना कोई ब्लड सैंपल लिया ना कोई और टेस्ट किया. तो क्या वो ऑथेंटिक है वो जो वो स्कैनिंग की थी मेरी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्कैनिंग मशीन अवेलेबल है जिससे बोल सकें कि आपको कोरोना नहीं है. शायद उन्होंने सिर्फ आपका टेम्परेचर स्कैन किया है, थर्मामीटर जो स्कैनर थर्मामीटर जो उससे किया है. तो लेकिन अगर आपको मामूली सर्दी खांसी सर्दी है जुकाम है तो अभी हम इंडिया में सारे सर्दी जुकाम के केसेस को टेस्ट नहीं कर रहे हैं. अभी उन्हीं मरीजों को जिनको बुखार है या सांस फूल रही है इस और ज़्यादा खांसी है ऐसे सिम्टम्स हैं तो उन्हीं मरीजों को हम सीवियर केसेस को ही टेस्टिंग कर रहे हैं. ऐसा जैसा कि आपको बता दें कि करीब 80% पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, करीब ओनली 20% पेशेंट को सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं. तो अभी हम लोग मास टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं जिनको खास ज़्यादा बुखार आने लगे, सांस फूलने लगे या एक्सरे में निमोनिया हो, उन्हीं लोगों की टेस्टिंग हो रही है. अगर किसी को मामूली सर्दी खांसी है तो वो नॉर्मल आपकी डॉक्टर से जांच करके दवा ले ले और अपने आप को घर पे रहे, भी दो हफ्ते अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखे, क्योंकि सारे व्यक्तियों को टेस्टिंग करने की सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम मास स्केल पे नहीं कर सकते. तो ये बेस्ट है कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए और अगर आपको बुखार ज़्यादा आने लगे, सांस फूलने लगे, ऐसे सिम्टम हो तो तुरंत आपको वापस और डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए. सुशील जी, दूध फल और सब्जी जैसी चीज़ों को सैनिटाइज कैसे करें, इसको लेकर घर की महिलाएं भी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हैं कि सब्जियों को अब सैनिटाइज कैसे किया जाए? देखिए, सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं, घर में लाके उन्हें अच्छे से धो लें और वैसे भी वो पकने वाली हैं, सब्जियां कच्चे रूप में तो यूजली रहेंगी नहीं, तो आप पका के खाएंगे तो वैसे भी आपके लिए वो इनफ है. तो आप उसको घर पे लाके अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद उसे पका के खाइए, तो उसका आपसे आपको उससे कोरोना होने की संभावना नहीं रहेगी. और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सुल्तान सिंह महियर से. सुल्तान सिंह, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए आपका सवाल. जी नमस्कार, मेरा सवाल ये था मैम जी कि मैं बैंक में काम करता हूँ जी, तो बैंक में इस संक्रमण का बढ़ने का खतरा कितना है, क्योंकि कैश भी हम लोग बांटते हैं, वाउचर भी हम लोग रिसीव करते हैं, तो हम लोगों को क्या सावधानी बरतना चाहिए इसमें? देखिए, आप लोग जितना डिजिटल हो जाएंगे उतना अच्छा है, कैश का इंटरेक्शन कम कीजिए, जो कि अधिकतर बैंक आजकल कर रहे हैं. आप वहाँ पे स्टाफ कम रखिए, बहुत ज़्यादा स्टाफ मत रखिए, उनका एक्सपोजर कम होगा. और तीसरा है, आप फ्रीक्वेंट आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहिए और आप अपने आँख कान नाक को फ्रीक्वेंटली टच ना करें, और अगर संभव हो तो वहाँ पे आप एटलीस्ट होममेड मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से एक मीटर का डिस्टेंस कम से कम बना के रखें. सुशील जी, चीन से एक खबर भी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उन्हें वापस से कोरोना होने लगा है, तो क्या ये संभव है? देखिए, संभव है, कुछ मरीजों में ये देखा गया है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है. रेयरली ऐसा संभव होता है, रिलैप्स हुए हैं कुछ केसेस में बट बहुत कम केसेस में है, तो इतना उसको लेके पैनिक या डर की जरूरत नहीं है जी. और अभी जो कोरोना के मरीज सामने आए हैं उनमें ये भी कहा जा रहा है कि जिनको सांस की बीमारी थी उनमें उन्हें जल्दी से कोरोना हो रहा है, तो ऐसे वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें कोरोना की बीमारी जल्द हो सकती है या ज्यादा खतरा है उनको? देखिए, जिन्हें ऑलरेडी पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कोई फेफड़ों की पुरानी कोई बीमारी हो या फिर हार्ट से संबंधित पुरानी बीमारी हो या डायबिटिक हो या ओल्ड एज पेशेंट हो, इनको कोरोना होने की संभावना नॉर्मल व्यक्तियों से ज़्यादा होती है. तो जिस किसी को डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज या ऐसी कोई बीमारी होगी, उनको
कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर फॉर्म में होने की संभावना रहती है, तो इन्हें विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जी डॉक्टर सुशील जी, आप हमारे साथ में जुड़े और तमाम सारी जानकारियां आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहा होगा और बहुत सारे आपके ऐसे डाउट होंगे जो आज क्लियर होंगे। तो आज के लिए स्वराज सेहत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।